आप देख रहे हैं TNB। 1857 के शहीदी परिवारों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 1857 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लागू करो, वरना अब श्रोता की कैटेगरी में हम नहीं है क्योंकि थकावट बहुत ज्यादा। यहाँ मैं बता देता हूँ, इस कार्यक्रम से संपूर्ण उत्तर भारत से लोग आए हैं और TNT समाज के, TNT उनको कहा गया है जिन जातियों ने, जिन समुदाय ने 1857 को लड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम राजघाट पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे पीछे जो बस इस वक्त खड़ी है उस पर लिखा है जय जवान जय किसान जय नौजवान, और पीछे अच्छी खासी दर्जनों भरी भीड़ जो है वो देखने को मिल सकती है। ये जो भीड़ है ये मेरठ से चलकर आज दिल्ली के राजघाट पर आई है। मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति के शहीदों के सम्मान में क्रांति यात्रा मेरठ से निकाली गई थी, दिल्ली से, जो सुबह 10 बजे निकली थी और शाम को 6 बजे दिल्ली के राजघाट पर पहुंचकर इसका समापन हो गया है। यहां पर लोग बैठे हुए हैं, सभी संगठन के लोग यहां पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सभी जो है, ज़्यादातर जो है वो गुज्जर समाज यहां पर मौजूद है और वही मांग कर रहा है शहीदों को सम्मान देने की। तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगों को लेकर आज यहाँ पर जो है ये क्रांति यात्रा निकाली गई है। देखिए, आज 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जिसमें धन सिंह गुर्जर कोतवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पूरे मेरठ की धरती और उसके साथ बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि बेनामी हैं, और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनको हम नाम जानते हैं, लेकिन आज उन सब के जो योगदान था, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व बलिदान किया देश को आज़ादी के लिए, आज उसको नमन करने के लिए मेरठ की धरती से सुबह 10 बजे यात्रा निकली थी और राजघाट पर आज का समापन है। हम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं आज उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और ऐसे ही मिलजुल करके जैसे उस समय सभी सर्व समाज के लोगों ने मिलजुल करके आगे बढ़ करके देश को आज़ाद कराया था, ऐसे हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे और समाज हित और देश हित में हम काम करते रहे, उसके लिए आज ये कार्यक्रम है। देखिए, ऐसा है कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आंदोलनकारियों को मिलने चाहिए, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए थे। अगर समय समय पर कोई भी संगठन उस आवाज़ को उठाता है तो हम सबको मिलकर के उसमें राजनीति ना करके देश हित में, समाज हित में और उन परिवारों के हित में जिन्होंने अपना बलिदान किया उसके लिए काम करना चाहिए। मैं से एक नारा और लगा था, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो जी, भाजपा सरकार चोर है? नहीं, जो देश के अंदर गलत काम करते हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा सौभाग्य देश के अंदर जो इस समय काले वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में अब भी लिप्त हैं, जो देश को कुरीति की ओर लेके जा रहे हैं, जो देश को के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो देश में समरसता नहीं करते, इसलिए हम सबको समरस होकर के सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के देश को आगे लेके जाना है। ऐसी जितनी भी विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ने की बात है। लेकिन अगर अब की बात करें तो हिंदू मुस्लिम काफी जो है वो देखने को मिल रहा है, हिंदू अपना पक्ष रख रहा है, मुसलमान अपना पक्ष रख रहा है, चाहे वो हनुमान चालीसा ले लीजिए, अजान ले लीजिए या फिर बुलडोजर ले लीजिए। देखिए, समय समय पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों को का सम्मान करना पड़ेगा। अगर अजान होगी तो हनुमान चालीसा भी होगी, हनुमान जयंती भी निकलेगी, रामनवमी निकलेगी, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सिर्फ यही है। और रही बात बुलडोजर की, जो सरकारी जमीन को घेरेगा वो अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार अपना काम करेगी।
आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे, कहां कहां से लोग उपस्थित हुए जी बताइए। इस कार्यक्रम से संपूर्ण उत्तर भारत से लोग आए हैं और डीएनटी समाज के, डीएनटी उनको कहा गया है जिन जातियों ने, जिन समुदाय ने 1857 को लड़ा है। यहाँ बी आर इदाते साहब भी आए हैं जो डीएनटी कमीशन के चेयरमैन थे और डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी भी वो हैं। हमारी मांग है एक तो डीएनटी की जो बी आर इदाते की कमीशन की रिपोर्ट है उसको सरकार अविलंब माने और डीएनटी समुदाय के जो 1857 को लड़ा है, जो पीड़ित और जो बलिदान है, जो उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा गया है, आपने भी पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगी कहीं भी जहाँ ये बैनर लगे हुए हैं, यहाँ जिन क्रांतिकारियों के नाम लिखे गए हैं किसी में नहीं पढ़ा है, तो ये दुर्भावना हमारे नाम हटाए गए हैं, उसी लिए क्रांति का रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग पिछले 2 साल से हम ये सारे दिल्ली सरकार को भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया है, उसके बावजूद आज तक कान को किसी को जू तक नहीं रेंग रही है। अभी इन्होंने कमीशन बनाया था, एक कमेटी बनाई है, इतिहास संकलन कमेटी, वहाँ भी हमने दिया है कि हमारे इतिहास को, 1857 के इतिहास को, जो सच्चा इतिहास है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, उसको जोड़ा जाए। हमारे उस क्रांति, सभी क्रांति, एक नहीं है लाखों क्रांतिकारी हैं जिनका नाम किसी भी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। अभी भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे का आपकी क्या तैयारी है? ये एक फिल्म का जो ट्रेलर होता है, ये भी ट्रेलर है। इसके बाद जहाँ ये दिल्ली है या जहाँ ये आसपास की क्रांति हुई है, जब हम उन निरंकुश लोगों के साथ लड़ सकते हैं तो ये तो है क्या चीज़। ये हमारा इनको संदेश देने का है, आज आखिरी है इनको संदेश देने का। इसके बाद अगर हमारी बात नहीं मानी गई, सच्चा इतिहास नहीं लिखा गया, हमें डीएनटी कमीशन की, जो वी आर इदाते की कमीशन की रिपोर्ट है उसको नहीं माना गया, तो हम सड़कों पर बहुत जल्द इकट्ठे होंगे। क्या बड़ा आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं? यस बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरा नाम अंतराम तवर है, मैं राष्ट्रीय गुर्जर समिति का अध्यक्ष हूँ और जैसा कि बाबूजी ने बताया है, हमारे साथ अंग्रेजों ने भी जुलम ढाई, मुसलमानों ने भी जुलम ढाई, हम किसी के काबू में नहीं रहे थे, हमें कुछ करना पड़ा। और अब जो एक आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, अब जो समाज, जो बिरादरी अंग्रेजों से लड़ रही है, घर बार छोड़े हैं, जंगलों में पड़े रही हैं, लड़ते रही हैं, झगड़ते रही हैं, बेघर हुए हैं, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। जैसा कि कुछ एरिया में सहारनपुर में मिल रही है, कुछ थोड़ी बहुत मेरठ में मिल रही है, ये सारे देश के समाज को वो सहूलियत मिलनी चाहिए। डीएनटी की जो लड़े हैं, मरे हैं, भगे हैं, दौड़े हैं, जिन्होंने राज करा, राजपुत्र रहे हैं, आज भी वो राज में हैं, और जिन्होंने मुकाबला किया अंग्रेजों का, मुसलमानों का मेरा मुकाबला किया, हमारी समाज का, उनकी अब देखिए हाथ भी है और पहले भी होती रही। अब हमारी समाज इकट्ठी हुई है, अब लड़ाई लड़ेंगे, अब सब तरह की लड़ाई लड़ेंगे हम। एक मिनट सर, आज यहाँ पर आए हैं, क्रांति यात्रा निकल रही है, मराठा का रूप लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं, मराठा अपने आप में ही एक बुलंद आवाज काफी रही है अपने आप में, आज शहीदों के लिए यहाँ पर मांग की जा रही है, क्या मेरा ये कहना है कि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो पेशवाओं को हुआ है। हमारे 21 राज्य खत्म हो गए, हमारे वंशज, हमारे पूर्वज झांसी के रानी के वंशज हैं, हम जैसे लोगों को चित्रकूट के वंशज हैं, बांदा के नवाब हैं, आपटे जी हैं जबलपुर के, इवन पुणे में शनिवार वाड़ा है, इन सब में जो हम लोगों के पूर्वजों ने बनाई हुई चीज़ें, हमको उसी में जाने का आजकल किराया देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, अपने ही पूर्वजों के, अपने ही पिताओं के बनाई हुई चीज़ों पे, अपने ही घर में जाने का हमें टैक्स देना पड़ता है। तो मेरा तो ये मानना है कि 1947 में सरदार पटेल जी ने बाकी देश को तो आज़ाद कर दिया, हम आज भी गुलाम हैं, हमें आज़ादी चाहिए है, हमें अपने घर चाहिए, अपना हुकूक चाहिए, अपना खोया हुआ अस्तित्व चाहिए, और उसी अस्तित्व का संघर्ष ये चल रहा है जो आज आपको नई दिल्ली में इस कार्यक्रम के रूप में देखने को मिला है। लेकिन हम देश में तो संघर्ष किसी और ही चीज़ का इस समय देखने को मिल रहा है, या आप बखूबी जानते होंगे, धर्म को लेकर लगातार जो है राजनीति की जा रही है, दूसरे मुद्दों पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? जब आप राजनीतिक लोगों से धर्म के विषय में पूछेंगे तो इस तरह के विवाद ज़रूर होंगे, जब धार्मिक लोगों को लेके आएंगे, धर्म की व्याख्या बताने के लिए इस देश में शंकराचार्य जी बैठे हैं, आपको एक बार उनके पास जाना चाहिए, वो जो व्याख्या बताएंगे, हो सकता है वो कड़वी व्याख्या हो लेकिन वो सच बताएंगे। हमारे हिंदू धर्म में सबसे पुराने धर्मदंड अधिकारी 1100 साल से वही हैं,
उनको उनसे पूछना चाहिए, इस विषय को वो आराम से सुलझा सकते हैं। लेकिन लोग जब राजनीति करेंगे तो वर्गवाद, विभाजनवाद, ये सब होता है और वही आज देश में चल रहा है। क्रांति यात्रा सर नाम दिया गया है, किस स्तर तक जाएगी अब आज जो यहाँ पर राजघाट पर समापन हुआ है इस यात्रा का? देखिए, मैं राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति से कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। 10 मई को जो क्रांति दिवस मेरठ में शुरू हुई थी और 1857 के उस पूरे इतिहास को इसे अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटिनी बताया था, जबकि एक स्वतंत्रता का आंदोलन था। स्वतंत्रता के आंदोलन में जो जो भी समाज लड़े उनमें गुर्जर समाज अग्रिम पंक्ति में रहा। आप उठा के देखिए, सरकारी गजेटियर्स में रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पुरखों को फांसियों पर लटकाया गया, एक जगह नहीं सभी जगह पर। अच्छा, हमें पढ़ने को मिलता है पाठ्य पुस्तकों में कि भाई जलियांवाला बाग अमृतसर में डायर ने शांतिपूर्ण सभा करने वाले उनको भून डाला था नागरिकों को। मैं ये कहता हूँ कि सरकारी गजेटियर में ये रिकॉर्ड मौजूद हैं, हर गुजरों के बड़े गांव में बड़े बड़े जलियांवाला बाग हैं। लेकिन सर एक सवाल, लेकिन हमारा 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 हमारी पीड़ा ये है कि सरकार ने ना तो स्कूली शिक्षा में, ना कॉलेज की शिक्षा में, ना विश्वविद्यालय की शिक्षा में, पाठ्य पुस्तकों में गुर्जरों के इस बलिदान को दफनाया है। सरकार पर निशाना, सर सरकार पर आप निशाना साध रहे हैं। मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है कि सरकार लगातार, चाहे वो जगह के नाम हो, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए, चाहे वो जगह के नाम बदलना हो या फिर कहीं कोई सम्मान करना हो, ये लगातार जो है वो करती रही है। हमारा आरोप ये है, गुर्जर समाज का आरोप ये है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने की बजाय, जैसे ये कहा गया कि साहब मंगल पांडे उस क्रांति को हीरो थे, ठीक है हम नमन करते हैं, राजा महेंद्र प्रताप उसके हीरो थे हम नमन करते हैं, लेकिन धन सिंह कोतवाल भी उस क्रांति का नायक है, उसको सिर्फ इसलिए पंक्तियों से इतिहास के किताबों से गायब कर दिया कि वो गुर्जर था। हमारा आक्रोश ये है कि गुर्जरों ने इस देश की, इस मिट्टी को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए अग्रिम पंक्ति में रहकर संघर्ष किया है। लेकिन हमारा आज जम्मू कश्मीर अगर सुरक्षित है तो हमारी वजह से। हमारा कहना यह है कि स्वतंत्रता के सेनानियों को रिकॉग्नाइज करने के बजाय इन्होंने हमें अपराधी जाति घोषित कर दिया। मैं कितने नाम गिना सकता हूँ, विच आर डेफिनेटली ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री। लेकिन ये जो भी सरकारें आए, जो अब तक आती रही हैं, उन्होंने गुर्जरों के इस इतिहास को दफन करने का काम किया है, वो अब नहीं चलेगा। सर मेरठ से यात्रा चली थी, क्रांति यात्रा इसका नाम दिया गया है, राजघाट पर समापन हो गया है, क्या लगता है सरकार से जो मांगे की जा रही हैं इस यात्रा के जरिए, कहीं ना कहीं वो मांगे पूरी होंगी? मुझे ऐसा लगता है ठीक ढंग से हम यदि रखेंगे जी। जिनके ऊपर अन्याय हुआ है वो सामने लाएंगे, उनके जो प्रश्न है वो सामने लाएंगे जी। मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार पहली बार केवल एक कमीशन के, मेरे कमीशन के रिपोर्ट के बाद केवल 7 महीने में उन्होंने अनेक बातें, 20 जो सूत्र मेरे थे उसमें से 14 सूत्र उन्होंने प्रत्यक्ष शुरू किए हैं, 6 जो बच्चे हैं उसके बारे में करेंगे, तो गवर्नमेंट करने के मूड में है। लेकिन ठीक ढंग से नरेंद्र भाई मोदी अत्यंत संवेदनशील हैं, वो जब चीफ मिनिस्टर थे वो घुमंतुओं के लिए 2 लाख मकानें बनाई थी गुजरात में, अब यहाँ आ गए उन्होंने कमीशन बनाया, मैं ही चेयरमैन था, बाद में कमीशन के बाद एक बोर्ड बनाया, मैं ही उनका चेयरमैन था 3 तारीख तक। तो क्या कुछ मांग आज इस यात्रा के जरिए? इस जरिए ये जो है कि ये जो स्वतंत्र सैनिक है जिसके आधार पर देश स्वतंत्र हुआ है, तो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। वो जो उनके जो वंशज है उनके बारे में हमने गंभीरता से सोचकर, उनको यदि कोई कमी है, उनका कोई व्यवस्थापन नहीं किया गया है, उसकी कोई जीवन यापन की कोई नहीं किया है, तो वो गवर्नमेंट ने करना चाहिए, वो गवर्नमेंट के सामने ठीक ढंग से लाना चाहिए। सर आज यहाँ जो राजघाट पे लोग मौजूद थे, नारा लगाया गया राजनीति कि पहले गोरों से लड़े थे अब चोरों से लड़ेंगे, तो उसका वो नारा गलत है जी। वो नारा एकदम गलत है जी। इसके लिए यात्रा नहीं निकली है जी। यात्रा निकली है जो स्वातंत्र्य युद्ध में हमारा रोल था, अभी वो रोल हमें फिर से वापस देना चाहिए, इसलिए यात्रा है जी। अभी कोई नारे देने वाले को कोई सब समस्या का निराकरण समझता नहीं, वो बात गलत
को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अधिकृत रूप से कहता हूँ कि जो संगठन मैंने शुरू किया था देश में, उनका अभी ये चेयरमैन है हमारे दादा लोधी, वो इनके पीछे है, इसके आधार पर देशव्यापी काम चल रहा है। तो कतई हमारे ऐसे मांग नहीं है, वो हम ठीक ढंग से रखेंगे तो गवर्नमेंट भी जो आवश्यक है सब बातें करेंगे, हमारा विश्वास है। सर, धारा 144 लगी हुई है, इसीलिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर समापन इस यात्रा का हो गया है, आगे और किस स्तर तक ये क्रांति यात्रा जो है वो हम पूरे देश में इसकी चर्चा करेंगे। पूरे देश के हर एक स्टेट से ये जो हमारी मांगे है वो फिर से सामने लाएंगे और कॉन्सेंट्रेट इफर्ट्स हम करेंगे और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक, 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको सम्मान देने के लिए आज यहाँ पर यात्रा निकाली गई। मेरठ से यात्रा शुरू हुई थी राजघाट पर, दिल्ली के राजघाट पर आकर इस यात्रा का, क्रांति यात्रा जिसे नाम दिया गया, उसका समापन हुआ। ज़्यादातर गुज्जर लोग इस यात्रा में शामिल थे और उन्होंने अपने जो परिवार है, जो शहीद हुए थे, उनके जो पीड़ित परिवार हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए आज यहाँ पर यात्रा रखी गई। दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, इसीलिए लोगों को ज़्यादा देर तक रोका नहीं दिया गया। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जितना समय दिया गया था उतना ही समय आपको दिया जाएगा, नहीं तो पुलिस की तरफ से उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। हालांकि जो मांगे यहाँ रखी गई है दिल्ली के राजघाट से केंद्र सरकार के लिए जो मांगे रखी गई हैं, अब देखना यही रहेगा कि सरकार कितनी जल्दी उनकी मांगों को सुनती है और उस पर अमल करती है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़ दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।